हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ वो है काजू स्वीट रोल। फ्रेंड्स, सोचा कि फेस्टिवल का टाइम है तो कोई मिठाई तैयार की जाए, तो इसीलिए मैंने ये काजू की मिठाई बनाई है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4-5 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है, 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 कप पाउडर शुगर लिया है और 1 कप काजू लिए हैं। हमने काजू को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, इसका एक पेस्ट बना लेना है। बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा ग्राइंड मत करें जिससे इसका तेल जो है निकल आए। अब हम एक बॉल लेंगे और काजू के पाउडर को उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम सभी इसमें मिक्स कर देंगे। सबसे पहले कोकोनट पाउडर को ऐड करेंगे। मैंने 4 स्पून जो है कोकोनट पाउडर ऐड किया है। उसके बाद पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अब हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे इसमें। 1 चम्मच मैंने कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर लिया है, उसे मिलाएंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर इसमें गुठलियाँ हैं तो आप हाथ से अच्छे से इसको थोड़ा सा कर दें ताकि ये निकल जाए। अब हम एक बॉल में दूध लेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम इसे थोड़ा थोड़ा कर ही मिलाएंगे। हमें इसका एक डो तैयार करना है, तो ध्यान रखें कि एक साथ आप मिल्क को ना ऐड करें। थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करें और इसका अच्छा सा आप एक नॉर्मल सा डो बना दें जो कि ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच दूध ऐड किया है और हमारा डो जो है बनके रेडी है। अब हम इसमें से थोड़ा सा डो जो है वो सेपरेट कर लेंगे, उसमें कलर ऐड करेंगे इसको सेंटर में इसकी फिलिंग करने के लिए। मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर लिया है, ये हम इसके 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और इंस्टेंट बन जाती है क्योंकि हमें इसमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसे घर में इजीली तैयार कर सकते हो। कोई भी त्यौहार होता है तो आप इस तरह से इसे बनाकर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हो। अब हम इस डो को इसी तरह से हाथ से या बेलन की सहायता से प्रेस करेंगे और इसे अच्छे से इसको रोटी की तरह बेल देंगे। ये हमने इसका गोल शेप बना दिया है, ये देखिए। अब जो हमने जिसमें कलर ऐड किया था उसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से शेप में बनाकर इसके ऊपर थोड़ा प्रेस कर देंगे और इसका एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, बस इसी तरह से हमने इसको रोल करते जाना है। आप बटर पेपर या फॉयल पेपर कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और उससे इसका रोल जो है वो रेडी कर लें। फ्रेंड्स, बस इसी तरह से इसका रोल तैयार हो गया है। हमने इसे लगभग 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। 30 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, देखिए इस तरह से। अब हम इस तरह से इसको कट करके इसके छोटे छोटे रोल पीसेस तैयार कर लेंगे, ये देखिए। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने इसको गोल शेप में बनाया है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिल्वर पेपर को यूज़ नहीं किया है, मैंने सिल्वर डस्ट को यूज़ किया है फ्रेंड्स, जो कि इसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया था। और ये देखिए, हमारी मिठाई जो है बनके रेडी है। आप किसी भी फेस्टिवल के लिए ये मिठाई तैयार कर सकते हो जो कि झटपट से बन जाती है और हमें इसके लिए गैस जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।